कई बार हम अपनी सोच और अपने बिहेवियर की वजह से अपनी लाइफ में काफ़ी मुसीबतें खड़ी कर लेते हैं और तब हम अपने आप से ही नाराज़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और फिर कभी कभी दूसरों को भी दोष देने लगते हैं। और इस तरह से हम एक ही जगह पर अटके रहते हैं, ना तो हम ग्रो होते हैं और ना ही लाइफ में कुछ कर पाते हैं। सो गाइस, अगर लाइफ में आप भी ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि दुनिया अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे वैसा नहीं करना चाहिए था और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हम अपने आप को बदलने के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब आप खुद को बदलते हैं तो आपकी लाइफ वर्स से वर्स कंडीशन से भी बाहर निकल जाती है। आपकी लाइफ अपने आप ही बेहतर होती जाती है और आप लाइफ में आगे भी बढ़ते हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर निकलें और लाइफ में वो पोजीशन या वो स्टेज अचीव करें जो हमारा सपना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम रियली में डिजर्व करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज चेंज योर थिंकिंग। हमारी लाइफ अभी जिस भी कंडीशन में है वो हमारी सोच की वजह से है। अगर हमारी सोच किसी चीज़ को सही और किसी चीज़ को गलत बताती है तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस में डिफरेंसेस ज़रूर आ जाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें अपने आप बदली हुई दिखाई देने लगेंगी। जैसे अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, पूरी तरह से आप दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, मेहनत से भागते हैं, सारा दिन इधर उधर ही आपका टाइम बीतता है, तो शायद आप कभी खुद में कोई कमी ही ना दिख पाएं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो आपकी लाइफ अच्छी है, किसी चेंज किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपने ये फील कर लिया कि ये भी कोई लाइफ है, ना तो आपकी कोई आइडेंटिटी है और ना ही लाइफ का कोई एम, तब शायद आपको ये समझ आए कि इसीलिए कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तब आप सही डायरेक्शन में हैं। ठीक उसी तरह आपके साथ दिन भर में जो कुछ भी होता है उस सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक है पॉजिटिव साइड और दूसरा है नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड वो साइड है जो आपको ग्रो होने में हेल्प करता है और नेगेटिव साइड वो है जहां आपको कुछ भी अच्छा सीखने को नहीं मिलता। सो ऑलवेज पॉजिटिव चीज़ों पर ही फोकस रखें। हर चीज़ के नेगेटिव साइड से भी कुछ ना कुछ सीखकर अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए। पॉइंट नंबर टू, चेंज योर एटीट्यूड। हमारे साथ अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो हम उस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं, ये हमारा एटीट्यूड ही डिसाइड करता है। अगर आपका एटीट्यूड सही होगा तो आप सिचुएशन में सही चीज़ों को ही देखेंगे, और अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो आप उस सिचुएशन में होने वाली नेगेटिव इम्पैक्ट को ही देख पाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा एटीट्यूड सही रहे और वो हर कंडीशन में सही चीज़ों को ही देखे। लाइफ को इम्प्रूव करना हो या खुद को चेंज करना हो, एटीट्यूड का स्ट्रॉन्ग और सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ही यूजफुल होता है, ना कि प्रॉब्लम को देखकर परेशान होना। इसलिए आप अपना एटीट्यूड जैसा भी रखेंगे आपकी लाइफ भी वैसी ही बनती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज योर एफर्ट्स। कई बार क्या होता है ना कि हम कोई काम करते हैं पूरे मन से पूरे एफर्ट से करते हैं, लेकिन बार बार करने के बाद भी हम उस काम में फेल ही होते जाते हैं, उसमें सक्सेस नहीं हो पाते और फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने एफर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस तरीके से उस काम को करना चाह रहे हैं, उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तरीका उस काम को करने का सूटेबल तरीका ही ना हो। आपके इंटेंशंस हो सकता है अच्छे हों, पर शायद उस काम को करने का तरीका ही गलत हो। ऐसे सिचुएशंस में जब आपको लगने लगे कि ये काम नहीं कर रहा है, तो इतने एफर्ट के बाद भी रिजल्ट्स आपके हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, तो आपको अपने काम को करने के तरीके को बदल लेना चाहिए और तब तक बदलते रहना चाहिए जब तक आपको उस काम में सक्सेस नहीं मिल जाती, क्योंकि कभी कभी इससे सक्सेस जल्दी और बड़ी मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। आप जब इस तरह से अवेयर रहने लगेंगे तभी आपको अपने अंदर बुराइयां दिखाई देंगी
और जब आप इन बुराइयों को दूर कर लेंगे तो ये आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट को दिखाएगा, क्योंकि जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं तब हम पहले से बेहतर बनते जाते हैं। इसलिए अपनी कमियों, अपनी वीकनेसेस की ओर हमेशा ध्यान देने की कोशिश कीजिए और इन्हें जल्दी से जल्दी खुद से दूर करने पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम अपनी कमियों को दूर करने में लग जाते हैं तो हमारी लाइफ अपने आप बदलने लगती है। आप खुद ही देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है और साथ ही हमारी लाइफ में गुड हैबिट्स भी डेवलप हो रही हैं और हम इम्प्रूवमेंट से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली डिपेंड ऑन योरसेल्फ। हमेशा सेटिस्फाइड और हैप्पी रहने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा खुद पर डिपेंड रहें। कभी भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि आप किसी और के भरोसे बैठेंगे तो आपको दुख ही मिलने वाला है। क्योंकि जो लोग दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उन्हें इस तरह की आदत जल्दी लग जाती है, और इसका दूसरा नुकसान ये है कि अगर आपके लिए कोई कुछ करता है तो उसका एहसान भी मानना पड़ता है, जो कि कभी कभी बहुत बुरा लगता है। इससे आप अपनी लाइफ को आसान नहीं बनाते, बल्कि आपको दूसरों के भरोसे रहने की एक बुरी आदत पड़ जाती है, जो कि आपकी लाइफ, आपके फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छी हैबिट नहीं है। लेकिन वहीं जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होने लग जाते हैं तो आपका खुद पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लग जाता है, जो कि लाइफ को ईजी बनाने के लिए बेहद ही ज़रूरी है। इसलिए दूसरों के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे रहें और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना सीखिए। चेंज योर हैबिट्स। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी हैबिट्स को बदलना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो ही आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी आदतें खराब हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। इसीलिए अगर खुद को बदलना है, कोई गोल अचीव करना है, तो आपको कुछ बेसिक हैबिट्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए और उन्हें अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन या एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना, अपने रेगुलर रूटीन को सही से फॉलो करना, ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना, अपने टाइम का सही से यूज़ करना। इस तरह की कुछ अच्छी हैबिट्स को आपको अपनी लाइफ में ऐड करना होगा। इसके अलावा अगर आप में कोई कमी है या बुराई है या कोई बैड हैबिट्स है, तो उन आदतों को सुधारने की कोशिश करनी होगी। इससे आप अपने आप को पूरी तरह से बदल पाएंगे और एक अच्छे और बेटर पर्सन बन पाएंगे। डोंट कंपेयर। अगर कोई खुद को बदलना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लाइफ जीने का तरीका गलत है, बल्कि ये तो इस तरह से हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। उसका अपना एक अलग एटीट्यूड है और कुछ अलग चीज़ें करने के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है। एक बात ध्यान रखिए कि आप कभी भी सामने वाले से कुछ भी तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप उसे खुद से बेहतर ना समझें, नहीं तो आपके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ पाएगा। यहाँ पर हम सभी इस बात से अग्री हो सकते हैं कि अगर आप दूसरों से कभी भी खुद को कंपेयर करने की हैबिट को छोड़ देते हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल एक अलग लेवल पर जा सकती है, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि वो अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हैं, और उस पर अपने पर्सनल ग्रोथ को बेस बनाते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि वो अपने आप को एक नेगेटिव वे में देखना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी और से कंपैरिजन करने के लिए हमें पूरी तरह से उसके अकॉर्डिंग, उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जब हम उस कंपैरिजन को एक पॉजिटिव वे में देखते हैं तो ये हमारे लिए यूजफुल ज़रूर हो सकती है। इसलिए अगर कंपैरिजन करना ही है तो खुद का खुद से कंपैरिजन करें। पिछले साल आप कहाँ थे और इस साल आप कहाँ हैं। गाइस, हम सबके अंदर वो पावर होती है जो हमें एक पावरफुल पर्सन के रूप में दिखाती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम अपने अंदर की पावर को ना तो जानते हैं और ना ही अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, और वहीं हम खुद की एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट ना करते हुए सिर्फ बाहरी चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होते रहते हैं, दूसरों की बातों को मान लेते हैं और हम खुद के अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश ही नहीं करते, और इसी वजह से हमारी लाइफ कई प्रॉब्लम्स में घिर जाती है और हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं और एक होपलेस लाइफ जीने लगते हैं। सो ऐसे में गाइस, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, खुद को अंदर से बदलिए और अपनी लाइफ को बदल कर बेहतर बनाइए, और हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
वीडियो के कौन से पार्ट्स आपको अच्छे लगे ये भी ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।